press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. It was amazing, bro. I really loved it because I Mithul Chakravarti ne wo the role of Ramakrishna perform kiya. Itna sundar unhone perform kiya. Aur unka hamesha वैसे बुक्स में भी पढ़े हैं हमने कि रामकृष्ण परमहंस हमेशा काली माँ के साथ बातचीत करते रहते थे. दे यूज टू टॉक टू ईच अदर लाइक अ फ्रेंड्स. सो मुझे जब डायरेक्टर ने बोला ऐसा है तो आई वाज लिटिल वंडरिंग, बट ही रियली वांटेड मी टू डू दैट. एंड उसमें एक सीन ऐसा था जहाँ पे विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं गरीबी में बहुत परेशान हूँ, कि आप हमेशा माँ काली माँ हमारा साथ काम करेंगे, तो आप व्हाई डोंट यू आस्क हर टू गिव मी समथिंग, आई नीड टू लिव अ लिटिल बेटर लाइफ, विल शी गिव मी. सो रामकृष्ण बोलते हैं अंदर जाओ ना, मंदिर में जाके पूछो. तो वो सीढ़ी में बैठे हैं, तो जाके पूछो माँ दे देगी. तो विवेकानंद इतने परेशान थे गरीबी में कि वो जाके माँ से पूछने के लिए जाते हैं. तो वहां जाके खड़े रहते हैं थोड़ी देर, इतने में काली माँ यहाँ रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठ के मजाक कर रही है, देखो ये कुछ पूछने गया है. देन रामकृष्ण हमेशा बोलते हैं उन काली माँ से, माँ प्लीज उसको कर देना, दे दो तथास्तु कर दो ना. तो वह हंसती रहती है माँ. ऐसा मेरा कैरेक्टर था, ऐसा ही परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. फिर इसका वापस आते हैं विवेकानंद जी बाहर, तो रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या आपने मांगा कि नहीं. आई कुड नॉट आस्क. देन ही सेज गो 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 अगेन, वापस मांगो, दे देगी, शी विल गिव यू व्हाट यू वांट. तो गरीबी से मुक्त होना है ना, जाओ पूछो वापस. अगेन ही गोज लाइक दैट टू थ्री टाइम्स हैपेंस, एंड देन ही फाइनली ही कम्स आउट एंड ही टेल्स रामकृष्ण, आई कुड नॉट आस्क एनीथिंग एक्सेप्ट भक्ति, श्रद्धा एंड भक्ति, ज्ञान एंड वैराग्य. मैंने यही तीन मांगा था, मैंने और कुछ मांगा ही नहीं. सो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट सेंट, जिनके लिए हमें प्राउड होना चाहिए कि ऐसे एक महान व्यक्ति हमारे देश में थे. और इनके बारे में आज के जनरेशन को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन है, क्योंकि आगे की पीढ़ी शायद भूल न जाए. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये शुरू किया है ये टीवी सीरियल, जिसके जरिए आज की पीढ़ी को बहुत कुछ समझ में आएगी कि क्या विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे संत लोग हमारे देश में रहे हैं, ये लोग कौन है क्या है. और मैं तो चाहूँगी कि हर 10 साल में अलग अलग प्रोड्यूसर्स आना चाहिए आगे भी, और बनाते रहना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े. और अलग अलग एक्टर्स भी उसमें परफॉर्म करते हैं, वो कितना खुश नसीब होगी उनको कि ऐसे एक कैरेक्टर करने को मिलता है एक्टर को. तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कमल मुखर्जी, आप इस टीवी सीरियल को बहुत अच्छी तरह से बनाइए और लोगों तक पहुँचे, यही मेरी ब्लेसिंग्स है. थैंक यू सो मच.